नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज दोपहर को खबर आई थी कि श्रीलंका में 10 दिन की इमरजेंसी लगा दी गई है, और इस बीच सवाल यह था कि किस ट्राई सीरीज का क्या होगा, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब है कि पूरी श्रीलंका में हिंसा को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर कार्रवाई की गई। और इस बीच सवाल यही था कि इस मैच का आज क्या होगा, लेकिन उसके बाद ये खबर आ गई कि भारतीय टीम मैनेजमेंट खुश है, मैच वक्त पर शुरू हो रहा है। इस बीच हम बात कर रहे हैं तो टॉस भी दोनों कप्तानों के बीच होने वाला है। कैंडी में दरअसल हिंसा हुई थी और कैंडी में कर्फ्यू भी लगा दिया गया, लेकिन कैंडी तकरीबन 3-4 घंटे के दूरी पर है कोलंबो से, और कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में ये पहला मुकाबला अब से आधे घंटे बाद शुरू होगा। टॉस श्रीलंका ने जीत लिया है। ये टीम बस है, जब प्रेमदासा में एंटर हो रही थी भारत की टीम बस, ये दरअसल नहीं, ये ताज समुद्रा टीम होटल के बाहर से निकल के तस्वीरें हैं। और सिक्योरिटी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है दोनों टीमों की, मैदान पर भी, टीम होटल में भी। और जैसा हमेशा श्रीलंका में होता है, जब टीम बस निकलती है होटल से ग्राउंड जाने के लिए, तो पूरी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, 3-tier सिक्योरिटी भारत की और श्रीलंका की टीमों को दी गई है। ये आज जर्नी की तस्वीरें हैं। कैंडी में अहिंसा हुई, श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है और भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। यंग टीम है भारत की, 6 खिलाड़ियों को आराम दिया गया, आप जानते हैं, लेकिन 6 खिलाड़ियों को आराम का मतलब है कि 6 खिलाड़ियों को मौका भी मिलेगा। अब इस सीरीज में भारत को ना सिर्फ जीतना है, जीतते रहना है, बल्कि जो नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा उनको मौके को भुनाना भी है। तो भारत की 11 में अभी आपको बताता हूं, क्योंकि रोहित शर्मा अभी भारत की 11 बता रहे हैं, लेकिन भारत टॉस हार चुका है, बावजूद इसके पहले बैटिंग करेगा। पिच के बारे में यह कहा जा रहा है कि हल्का हल्का डेड ग्रास है, गेंद स्किड करना चाहिए। आमतौर पर प्रेमदासा में गेंद फंस कर आता है, रन ज्यादा बनते नहीं, लेकिन हो सकता है कि आज आपको एक अच्छा बल्लेबाजी के लिहाज से मैच देखने को मिले। दो खास मेहमान मदन जी स्टूडियो में है। मदन जी, एज यंग एंड एज हैंडसम एज एवर, और यंग एंड हैंडसम निखिल चोपड़ा मेरे साथ है, यानी कि मजा आएगा, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मदन जी, ये जो आज दोपहर को वहां पर हुआ, वैसे तो जब आप लोग श्रीलंका में खेलने जाते थे या आप कोच भी थे, तो ये अक्सर इस तरह की वारदात होती रहती थी, और वहां तब बहुत ज्यादा सुरक्षा होती थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उसी वक्त एक ईमेल के जरिए साफ कर दिया कि हम सिक्योरिटी से खुश हैं, सीरीज पर कोई असर नहीं दिखेगा। नहीं, मेरे को भी लग रहा था कि जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये ट्राई सीरीज कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी मींस कि हर जगह पे बड़े एहतियात से रहना पड़ता है। और दूसरी बात यही है कि जब श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, जब उन्होंने आपको एक कॉन्फिडेंस दे दिया, आत्मविश्वास दे दिया कि आपको कोई चिंता करने वाली जरूरत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद तो इंडियन बीसीसीआई के लिए जो ये डिसीजन लेना थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो जाता है। और मुझे लगता है कंट्रोल्ड इमरजेंसी भी होगी, क्योंकि आप ये ना भूलें कि जो टीम होटल है इस तरफ श्रीलंका की पार्लियामेंट ज्यादा दूर नहीं है, और उस तरफ जो प्रेसिडेंट हाउस है वो भी ज्यादा दूर नहीं है, कोलंबो की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन भारत टॉस हारने के बावजूद पहले बल्लेबाजी कर रहा है, और रोहित शर्मा ने कहा है कि टॉस हारने का गम नहीं है, क्योंकि हम भी शायद बल्लेबाजी करते पहले। नहीं देखिए, इस वक्त तो भारतीय क्रिकेट जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में है। देखिए, उनके पास ऐसे मौके हैं जिसमें वो नए खिलाड़ियों को भी ट्राई कर सकते हैं, अपनी टीम जो है बेंच स्ट्रेंथ को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। इससे अच्छा पहले कभी आपने ना देखा होगा ना सुना होगा, तो ये एक अच्छी बात है। और बाकी ये जो आप कह रहे हैं 6 खिलाड़ी जो नए आए हैं, ये सारे मजे हुए खिलाड़ी हैं। इनके पीछे जो है एक्सपीरियंस है, आईपीएल का 60-70 मैचेस का एक्सपीरियंस है, और ये एक ऐसे इसमें ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैच विनर प्लेयर जिनको कह सकते हैं, जो कि मैच आपको जिता सकते हैं अपने बलबूते पर। इसलिए भारतीय टीम जो है वो काफी स्ट्रांग लग रही है, और उसके साथ साथ जो बॉलिंग अटैक का बैलेंस आया है, मैं समझता हूं कि उसी की वजह से आज अगर आप देखें पूरी क्रिकेट हो भारतीय, तो इससे अच्छा मैं समझता हूं कि बैलेंस नहीं बना इंडियन टीम का, जो कि हम दावे से भी कह सकते हैं हाँ भारतीय टीम जीत सकती है। सही बात है निखिल, शायद भारत की कमजोर, रिलेटिवली कमजोर टीम होने से ये सीरीज बैलेंस ही हुई है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ज्यादा मजबूत दिखता है या श्रीलंका ज्यादा मजबूत दिखता है, मेरे हिसाब से तो भारत अब भी ज्यादा मजबूत ही दिखता है, लेकिन शायद भारत के वो 6 खिलाड़ी को आराम देने से सीरीज बैलेंस हुई है। जैसे मदन जी ने कहा,
जो युवा खिलाड़ी हैं या जो नए खिलाड़ी हैं, विजय शंकर का जैसे अभी अभी पता चला कि वो पहला मैच खेल रहे हैं, वो डेब्यू कर रहे हैं, अब विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों को देखने को हमें मिलेगा कि क्या वो हार्दिक पांड्या का विकल्प हो सकते हैं, ऐसे ही बाकी खिलाड़ी भी हैं जो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं है, मेरे ख्याल में ये एक मौका है आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का। कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं टीम में, लेकिन जो बाकी के सीनियर नहीं है, तो ये दर्शाता है कि आपका टेस्ट जो है वो जूनियर्स इस मौके को कितनी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। और अभी भी मेरे को लगता है एक तरह से क्रिकेट में विश्व कप को अगर मद्देनजर रख के बात करें, चार नंबर का स्थान थोड़ा सा अभी भी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। निखिल की आवाज ठीक नहीं आ रही, शायद लाइन में दिक्कत है, लेकिन विजय शंकर को आज पहला गेम मिला है, मुझे 11 भी अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, पता नहीं रोहित शर्मा ने 11 क्या बोली है, मैं तो केएल राहुल को भी खिलाऊंगा, रैना नंबर 4, राहुल को नंबर 3 खिलाऊंगा और ऋषभ पंत से कीपिंग कराऊंगा। आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग करानी चाहिए। अब दिनेश कार्तिक ठीक है, विकेट कीपर नहीं रहे और सिर्फ ऐसे बैट्समैन खिलाना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती होगी। बिल्कुल। और दूसरी बाकी विजय शंकर की बात आप कर रहे हैं, इनको भी चांस मिलना चाहिए, और केएल राहुल जो कि काफी समय से टीम के साथ लगे हुए, उन्होंने उनका शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट स्टेटस क्लियर तो हो कि केएल राहुल से टीम चाहती क्या है, और उन्होंने उनका अच्छा प्रदर्शन भी किया, क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और उससे ही आपकी जो टीम बिल्डअप होती है, तो ये जो आपने चेंजेस बताई हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋषभ पंत भी उन्होंने अच्छी फॉर्म में है, ठीक है उनकी फॉर्म जो है पैचेस में रही है, पर कीपिंग और बैटिंग हिसाब से मैं समझता हूं कि उसको खिलाना चाहिए। अच्छा ये टीम मुझे धर्मेंद्र बता रहे हैं केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं 11 में, केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक को खिलाया गया है, लेकिन मुझे तो ये बात अभी भी हजम नहीं होती कि केएल राहुल को आप साउथ अफ्रीका भी ले गए बाहर बिठा दिया, आप यहां पर भी लेकर जा रहे हैं बाहर बिठा दिया, तो दिनेश कार्तिक बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं और वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं, अब वॉशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल की जगह खेल रहे हैं ये अभी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे को लगता था कि अक्षर प्लेट को अक्षर और चहल मैं तो दोनों को खिला, हाँ दोनों को खिला रहे हैं, क्योंकि चहल तो ठीक है उसको खिलाना ही चाहिए, पर मेरे को लग रहा था कि अक्षर प्लेट पटेल को खिलाएंगे, पर यह है कि वॉशिंगटन सुंदरम को जो उन्होंने खिलाया है, तो ये उनकी कोई रणनीति होगी जिसमें कोई बिल्कुल या तो उनको देखना चाहते होंगे कैसे, वो हमने देखा तो था अभी यहाँ पे उन्होंने खिलाए तो थे, एक दो मैच खेले थे उन्होंने और उनका प्रदर्शन ठीक ही रहा था, ऐसा कोई खास नहीं था, पर फिर भी मैं देखना चाहता हूँ वही जो आपने अभी बात की है कि अगर दिस साइड और दैट साइड वाला जो काम है कि हाँ भाई अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सेटल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको एक कैप्टन को जो ये है 11 देख लीजिए आप, ये है 11, रोहित शर्मा, शिखर धवन, इसका मतलब सुरेश रैना नंबर 3 ही खेलेंगे शायद, अनलेस एंड अंटिल ऋषभ पंत को 3 खिला दें, दिनेश कार्तिक को खिलाया गया है, राहुल नहीं खेल रहे, मनीष पांडे, ऋषभ पंत विकेट कीपर है, उसके अलावा विजय शंकर को आज पहली बार भारत के लिए खेलने का मौका मिलेगा, तो वॉशिंगटन सुंदर, जयदेव उनादकट, विजय शंकर, चहल खेल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, यानी कि अक्षर पटेल को भी 11 में जगह नहीं मिली है, पता नहीं क्या कारण है क्यों नहीं।